डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर कंपोनेंट। याद करो यहाँ पे तीन टी थे और दो सी थे, कौन से तीन टी? इक्वालिटी, डिग्निटी और क्वालिटी, और दो कौन से सी थे? एक कॉन्फ्लिक्ट और एक करेक्ट मिस्टेक्स। तो डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजंस, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग, और दो सी थे, एक मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट। डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब सुनो, लोगों के पास क्या है? राइट टू चूज है उनके लीडर्स को, दे हैव राइट टू चूज देयर रूलर्स। ठीक है, दे हैव कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स। आई बात समझ में? सिटीजंस कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, देयर फोर डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट विच इज अकाउंटेबल टू द सिटीजंस एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन। तो हम लोग हमारे लीडर्स क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं। टू, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। थ्री, हम लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि डेमोक्रेसी जो होती है वो अकाउंटेबल होती है और रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन होती है। आई बात समझ में? अब लेजिटिमेट गवर्नमेंट या ट्रांसपेरेंसी की बात आती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट या फिर ट्रांसपेरेंसी की बात आती है, तो हमेशा याद रखना, हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी ये इंश्योर करती है कि जब भी कोई डिसीजन मेकिंग हो रहा है, जब भी कोई डिसीजन मेकिंग हो रहा है, तो वो किस चीज से बेस्ड है? ऑन सम नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, ऑन सम नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। अगर एक सिटीजन जानना चाहता है क्या कि एक जो डिसीजन लिया गया था उसमें करेक्ट प्रोसीजर्स फॉलो हुए थे कि नहीं हुए थे, तो सिटीजन के पास राइट भी है और मींस भी है। सिटीजन के पास राइट भी है, राइट टू इंफॉर्मेशन, और मींस भी है। वो देख सकता है क्या कि डिसीजन सही तरीके से लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे, दैट इज प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस वर फॉलोड ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम डिसीजन में क्या कर सकते हैं? पार्ट कर सकते हैं। और कुछ भी हो, अ डेमोक्रेसी इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। भले तुम तो बुरे बच्चे हो, लेकिन अपने मम्मी पापा के तो बच्चे हो, क्योंकि तुम उनके हो इसलिए तुम अच्छे हो। देयरफॉर डेमोक्रेसी इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। व्हाई पीपल्स ओन गवर्नमेंट? बिकॉज हम लोग उनको सिलेक्ट करते हैं, हम लोग ही उनको इलेक्ट करते हैं। देयरफॉर पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। इज दैट क्लियर? अब आता है कि डेमोक्रेसी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ला पाती है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर वन बनता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने बोला, पहली बात तो कंट्री की पॉपुलेशन साइज पे, दूसरा उसकी ग्लोबल सिचुएशन पे, ठीक है, तीसरा कोऑपरेशन दूसरी कंट्री से, और चौथा इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री। तो फोर फैक्टर्स ऑन विच इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स, फोर फैक्टर्स ऑन विच इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स, कौन सा है? उसकी पॉपुलेशन साइज, उसकी ग्लोबल सिचुएशन, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेसीज में और डिक्टेटरशिप में, डेमोक्रेसीज में और डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में फर्क है, और ऐसा देखा गया है कि डिक्टेटरशिप का जो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हायर होता है। वो क्या होता है? हायर होता है। आई बात समझ में? सो डिक्टोरियल रिजाइम हैव स्लाइटली बेटर रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। However, when we compare their record only in poor countries, there would be virtually no difference. तो जो rich countries है ना, वहां पे दिखता है कि dictatorship better results produce कर रही है in terms of economy. लेकिन अगर poor country, एक poor country dictatorship वाली ले और एक poor country democracy वाली ले, तो दोनों में कोई major difference नहीं है. There can be varying high degree of inequalities between democracies. There is often inequality of opportunities to poor section of the society. तो हम लोग बोलते हैं जब इक्वालिटी की बात होती है ना, तो डेमोक्रेसी ने पॉलिटिकल इक्वालिटी तो दे दी है, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी आज भी नहीं दे पाई है, बिकॉज देर इज अ वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन अ डेमोक्रेसी। क्लियर?
ठीक है देखो, अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम. ये कहाँ की बात हो रही है? डेमोक्रेसी की. देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी हैज बीन इंक्रीजिंग. दोज एट द बॉटम स्ट्रेटा हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन. यानी कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं ला पाई है. ठीक है, देयर इनकम्स हैव बीन डिक्लाइनिंग. यानी कि जो रिच और पुअर है उनके बीच में गैप क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ फार हैव डेमोक्रेसीज बीन इन ब्रिंगिंग अबाउट इक्वालिटी, तो हम लोग बोलेंगे डेमोक्रेसीज पॉलिटिकल इक्वालिटी तो ले आइए, दैट इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी इज रिमूव इन इकोनॉमिक इन इक्वालिटी रिमूव नहीं कर पाएगी. अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंजॉय अ हाई डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम. देयर इनकम्स आर इंक्रीजिंग. दोज एट द बॉटम स्ट्रेटा, दोज एट द बॉटम स्ट्रेटा हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन. देयर इनकम्स हैव बीन डिक्लाइनिंग. क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी. तो हम लोग बोल सकते हैं देखो, कोई भी सोसाइटी बिना कॉन्फ्लिक्ट के तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती. हमेशा हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा. लेकिन डेमोक्रेसी में अच्छी बात क्या होती है? वी लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस. वी कैन इवॉल्व मैकेनिजम्स टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस. पहला रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस, पहला रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस, दूसरा इवॉल्व मैकेनिजम्स, दूसरा इवॉल्व मैकेनिजम्स टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस. आई बात समझ में? तो डेमोक्रेसी अच्छी क्यों है? बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. व्हाई आर डेमोक्रेसी इज गुड? बिकॉज दे आर हाईली सक्सेसफुल इन हैंडलिंग, दे आर हाईली सक्सेसफुल या एबल टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. आई बात समझ में? और इसके लिए डेमोक्रेसी को दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती. क्या? द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी. ठीक है, एंड रूल बाय मेजोरिटी मींस एवरी डिसीजन में सारे लोग क्या हो? इन्वॉल्व हो. डिफरेंट पीपल एंड ग्रुप्स में एंड कैन फॉर्म अ मेजोरिटी. क्लियर? नेक्स्ट आता है, हाउ डज डेमोक्रेसीज इंश्योर डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द सिटीजंस. तो डिग्निटी और फ्रीडम टू द सिटीजंस में क्या आता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है उसको सबसे पहले लाइफ में क्या चाहिए रहती है? रिस्पेक्ट चाहिए रहती है. तो ये जो पैशन है किस चीज का, किस चीज के लिए पैशन? रिस्पेक्ट और फ्रीडम के लिए. ये क्या होता है? बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी होता है. ये क्या होता है? बेसिस है ऑफ डेमोक्रेसी होता है. आ रही बात समझ में? और डेमोक्रेसी में बहुत डिफिकल्ट होता है क्या करना? सबको एक साथ चलना, लेकिन चलाना पड़ता है. अब यहाँ पे कितने एग्जाम्पल दिए उन्होंने? दो एग्जाम्पल दिए. पहला किसका? विमेन का, कि विमेन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, विमेन को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए. इसके लिए डेमोक्रेसी से बहुत लॉन्ग स्ट्रगल्स हुए और इवेंचुअली विमेन को वो रिस्पेक्ट मिल गई. सिमिलरली सेम कहानी किसके साथ होती है? कास्ट इनइक्वालिटीज के साथ होती है. जो डिसएडवांटेज या डिस्क्रिमिनेटेड क्लासेस होती है उनके लिए हम लोगों ने क्या करा? उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और फिर उस स्ट्रगल के रिजल्ट में हम लोगों ने उनको क्या करा? रिजर्वेशन प्रोवाइड करी. आ रही है बात समझ में? एक और क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसी का टेस्ट कभी खत्म नहीं होता. तो इसका आंसर क्या लिखना है? कि लोगों को लगता है, आज भी लोगों को लगता है अगर हम डेमोक्रेसी में है तो हमारे वोट की क्या है? वैल्यू है. सो देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज रन एंड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट. अगर हम लोग वोट देंगे तो इसमें हमारा ही भला है. ठीक है ना? डेमोक्रेटिक एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर. वंस इट पासेस वन टेस्ट इट प्रोड्यूसेस अनदर टेस्ट. तो डेमोक्रेसी का एग्जामिनेशन कभी खत्म नहीं हो सकता. अगर डेमोक्रेसी एक टेस्ट पास कर भी लेगी तो उसको फिर से एक और टेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है ना? और एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर. अगर मुझे लग रहा है कि मेरा काम अच्छे से चल रहा है डेमोक्रेसी में तो मैं सरकार से डिमांड क्या करूंगी? और ज्यादा करूंगी. और जब आप और मांगोगे तो डेमोक्रेसी इससे और अच्छी हो जाएगी. द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग,
एंड इट इट सेल्फ इज अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. यानी कि अगर लोग गवर्नमेंट से चीजें डिमांड कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और लीगल नॉर्म्स और प्रोसीजर्स के बेसिस पे वो डिमांड्स क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा टेस्टिमनी है, अपने आप में बहुत बड़ा एविडेंस है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ सक्सेसफुल गवर्नमेंट. ओके, हाउ डू वी डिसाइड दैट द गिवन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इफेक्टिव और नॉट? तो हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफेक्टिव कब होगी, जब वो क्विक होगी, किसमें? क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन. मतलब आपको डिसीजन भी फटाफट लेना है और उसको इम्प्लीमेंट भी फटाफट करना है. बट प्रॉब्लम क्या है, ये क्विक नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? सिंस इट इज बेस्ड ऑन डेलिबरेशन एंड नेगोसिएशन. डेलिबरेशन मतलब सबकी बात माननी पड़ती है, नेगोसिएशन आपका भैया नहीं मेरा भैया नहीं, हम दोनों एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आएंगे. सो सिंस दिस इज बेस्ड ऑन डेलिबरेशन एंड नेगोसिएशन, सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस. पर ये डिले बहुत अच्छा है. क्यों? क्योंकि अगर डिसीजन बहुत फास्ट हुए, बहुत ज्यादा फास्ट हुए, और अगर लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम्स होगी. इससे बेटर क्या है कि आप टाइम लो, है ना, सारे प्रोसीजर्स फॉलो करो और फिर डिसीजन पे आओ, तो आपके डिसीजन क्या होंगे, एक्सेप्टेबल भी होंगे और इफेक्टिव भी होंगे. ठीक है, तो हम लोगों ने बोला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एफिशिएंट इफ इट इज क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन. हाउएवर, सिंस इट इज बेस्ड ऑन डेलिबरेशन एंड नेगोसिएशन, some delay is bound to take place. If the decisions are very fast but not accepted by the people, it would create problems. Therefore, it is better that we should take more time to follow procedures before arriving at a decision so that the decisions are acceptable and effective. Okay. What should be done to make a democratic government more accountable to the people? हमने कहा हर बार accountable होती तो है नहीं, तो हम लोगों ने बोला कि एक democratic government को mechanism develop करना चाहिए जिससे क्या हो जाए, वो responsive हो जाए और accountable हो जाए, और जिससे citizens क्या कर पाए, decision making में part ले पाए. तो सबसे अच्छा mechanism कौन से बताया उन्होंने? पहला, regular free and fair election. दूसरा, ओपन पब्लिक डिबेट्स ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस. तीसरा, सिटीजंस राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग. ये तीन मैकेनिज्म ऐसे हैं जिससे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, अकाउंटेबल भी हो जाएगी और रिस्पॉन्सिव. कौन से तीन? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ओपन पब्लिक डिबेट्स ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस, और तीसरा, सिटीजंस राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स. ठीक है, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत रिस्पॉन्सिव होती है क्या? नहीं होती. क्यों नहीं होती? पहली बात तो इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए और फ्री ऑफ करप्शन भी होना चाहिए. सो इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू बी अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ पीपल एंड बी फ्री ऑफ करप्शन. बट अगर सच में देखे तो क्या ऐसा हो रहा है? नहीं. डेमोक्रेसी इज ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों को फ्रस्ट्रेट करती है, इग्नोर द डिमांड्स ऑफ मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन. यानी कि बहुत बार उनकी डिमांड्स को क्या करती है, इग्नोर करती है. तो फ्रस्ट्रेट भी करती है और इग्नोर भी करती है. और ऐसा तो नहीं है फ्री ऑफ करप्शन है. द रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन इंश्योर दैट डेमोक्रेसी आर नॉट फ्री ऑफ दिस इविल. आई बात समझ में? पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि नॉन डेमोक्रेसी इज कम करप्ट है, तो इससे तो बेटर क्या है? ठीक है, व्हाई इज अ डेमोक्रेसी बेटर देन इट्स अल्टीमेट देन इट ऑल्टरनेटिव? बिकॉज इट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जायज गवर्नमेंट है. ये स्लो है, हाँ है. लेस एफिशिएंट है, हाँ है. रिस्पॉन्सिव नहीं है, हाँ. क्लीन भी नहीं है, मतलब करप्शन से फ्री भी नहीं है. लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट है, हाँ. इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ठीक है. देयरफॉर देयर इज अ ओवरवेलमिंग सपोर्ट विद द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. दिस इज बिकॉज पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम, ठीक है. हेंस इट्स एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट. अगर ये भी लाइन एग्जाम में आती है क्या, इट्स एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, ये इसी का आंसर, इसमें यही वाला आंसर तुम्हें लिखना है.
it itself is an outcome that cannot be ignored. Less efficient hai, slow hai, non-responsive hai, corrupt bhi hai. But it's people's own government, because people rule, wish to be ruled by people, yeah, representatives elected by them. तो जेंडर रिलेटेड पार्ट के 12 क्वेश्चन करेंगे, यही 12 में से पेपर आएगा, आने वाला है, छप चुका है, ठीक है ना? सुनो, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज पॉलिटिक्स अफेक्ट कास्ट, है ना? देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है कास्ट पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट करती है, और एक बनता है पॉलिटिक्स कास्ट को कैसे अफेक्ट करता है. तो हम लोगों ने बोला नहीं, अलग लिखना है आंसर. हाउ डज पॉलिटिक्स अफेक्ट कास्ट, ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर by incorporating neighboring and subcaste which were excluded from it. अगर आपको अपना political position strong बनाना है, तो आजकल caste वाले क्या करते हैं, अपने आप ही जो subcaste है वो खुद के अंदर क्या करते हैं, merge कर देते हैं, ताकि वो population wise एक बड़ा group दिखे, ताकि उनका political influence क्या हो जाए, strong हो जाए, ठीक है? Various caste groups enter into a coalition, ठीक है? Caste groups आजकल मिल जाते हैं, तेरी caste और मेरी caste friends, ठीक है? And negotiation. New forms of caste group have come up like backward and forward. जब तक पॉलिटिक्स नहीं था ना, तब तक कास्ट कास्ट अलग होती थी. अब कास्ट मर्ज होके नए तरीके के कास्ट ग्रुप बना रहे हैं, जैसे कि फॉरवर्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट. आई बात समझ में? In some situations, expression of caste differences gives disadvantaged communities the space to demand their share of power. क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में आपको उतरना है, तो आपकी कास्ट कम्युनिटी को स्ट्रांग होना पड़ेगा. और आपको अपनी कास्ट कम्युनिटी को स्ट्रांग क्यों बनाना पड़ेगा, ताकि आप अपने कास्ट के फेवर में क्या करो, लेजिस्लेशंस करवा सको. तो पहला है कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग नेबरिंग एंड सबकास्ट. दूसरा, कास्ट ग्रुप्स एंटर इनटू अ कोलिजन डायलॉग एंड नेगोशिएशन. तीसरा, न्यू फॉर्म्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स, जैसे कि फॉरवर्ड कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट. And in some situation, expression of caste difference gives disadvantaged communities the space to demand for their share of power. ये किस चीज का आंसर है? How does politics affect caste? ठीक है, next. What role does caste play in politics? अभी politics playing caste देखा, आप देख रहे हैं caste playing politics. It is a rooted belief that caste is a sole basis for social community. कोई भी social community बनती तो किससे बनती है? Caste से. That is, people belonging to same caste belong to same natural social community. When parties choose candidate, they keep in mind the caste composition of the electorate. जब parties अपने candidate क्या करेंगे? चूज करेंगे, तो अपनी इलेक्टोरेट का कास्ट कंपोजिशन क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे. एंड नॉमिनेट द कैंडिडेट अकॉर्डिंगली. दिस इज नेसेसरी टू गेन सपोर्ट टू विन द इलेक्शन. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स अपील टू पीपल इन द नेम ऑफ कास्ट. पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स अपील टू कैंडिडेट्स इन द नेम ऑफ. ड्यू टू वन पर्सन वन वोट क्राइटेरिया, पॉलिटिकल लीडर्स आर कंपेल्ड to gear up the task of mobilizing and supporting and securing political support. तो जो कास्ट बड़ी है, आप उसका सपोर्ट लेना चाहोगे, क्योंकि वन पर्सन वन वोट वाली सिचुएशन होती है. क्लियर? तो हमने देखा कास्ट अफेक्ट पॉलिटिक्स, फिर हमने देखा पॉलिटिक्स अफेक्ट कास्ट. लेकिन हम लोग कहते हैं कास्ट इज नॉट द ओनली फैक्टर दैट डिसाइड्स द रिजल्ट इन पॉलिटिक्स. क्यों? ऐसा देखा गया है, नो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी इन अ कंट्री हैज क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट. ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए कास्ट इज नॉट द ओनली फैक्टर. सेकंड, नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ अ कास्ट और अ कम्युनिटी. कि सारे पंजाबियों ने एक ही बंदों को वोट दे दिया, ऐसा भी नहीं होता है. दैट इज वाई कास्ट इज नॉट द ओनली फैक्टर. द रूलिंग पार्टी फ्रीक्वेंटली लूजेस इलेक्शन. आइए बात समझ में. दिस शोज दैट नॉट they could not have happened if all the caste and community were frozen in their political preferences. Okay, so caste is not the only factor that decides results of politics in India. How has caste system undergone changes in the society? So caste system mein kya ho gaya, ab pehle hum jitna caste karte the, ab utna caste nahi karte. Kyun? One, economic development.
2 large scale urbanization, 3 growth of literacy and education, 4 occupational mobility, 5 weakening position of the landlord and villages, breaking down of caste hierarchy norms. इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया है तो कास्ट से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट होता है. दूसरा लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, आप गांव से शहर जाते हो तो अभी सड़ी सड़ी बातें नहीं देखते. थर्ड ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, अब सब पढ़े लिखे हो गए, आप लोगों को स्किल से पहचानते हो उसकी कास्ट से नहीं पहचानते. ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, आप एक जगह से दूसरी जगह पर बार बार काम के लिए जाओगे तो लोग आपसे आपका काम पूछेंगे, आपकी कास्ट नहीं पूछेंगे. वीकनिंग पोजिशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स, पहले कास्ट का ज्यादा कौन करता था, लैंडलॉर्ड्स ही करते थे, अब उनकी पोजीशन ही क्या हो गई, वीक हो गई. और ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट हायरार्की नोशंस. व्हाट इज कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन, मतलब एग्जैक्टली कास्ट सिस्टम होता क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट आउट कास्ट ग्रुप. जो हमारी कास्ट के नहीं है उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं और उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स इन ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. ठीक है, अब हमने चैप्टर क्या है, जेंडर रिलीजन कास्ट, कास्ट हो गया, अब रिलीजन. ठीक है, सेक्युलर स्टेट क्या होता है, तो ये एक ऐसा स्टेट होता है जहां पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता. कॉन्स्टिट्यूशन हमारी किसी भी रिलीजन को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं देती. कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है हर बंदे को राइट है टू पी प्रोफेस, पी प्रैक्टिस, पी प्रोपगेट, पी 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 प्रैक्टिस प्रोपगेट प्रोफेस एनी रिलीजन. The Constitution does not discriminate on grounds of religion. और अगर कुछ religious community होता है तो उसमें कुछ equality लानी होती है तो Constitution क्या कर सकती है, interfere भी कर सकती है. What are the different parts that communalism? Communalism मतलब होता है religion के base पे. In take in politics. तो politics में communalism या religion कैसे आता है? Everyday beliefs. Everyday beliefs मतलब religious prejudices. Stereotypes, superiority of one religion over other, कि हमारा religion अच्छा है आपका खराब है. ठीक है ना, political dominance of one's own religious community, यानी कि अगर मैं किसी religious community को belong करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, दूसरी जो minority communities होती है उनको dominate करने की कोशिश करती हूँ. और ऐसे में हर majority या हर minority अपना एक separate political unit बनाने की कोशिश करती है, ताकि अगर एक पॉलिटिकल यूनिट डोमिनेट करे तो हमारे पास भी हमारा एक सेपरेट यूनिट होना चाहिए जो इससे नेगोशिएट करने के लिए रेडी रहे. पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस, पहले बहुत होता था कि हम हिंदू हैं हमारे ये सिंबल्स हैं, हम मुस्लिम्स हैं हमारे ये सिंबल्स हैं, हम सिख हैं, पहले ऐसा बहुत कुछ होता था. जैसे सेक्रेट सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स, emotional people to bring political followers of one religion on same political domain. और lastly riots, violence, massacre. Riots मतलब दंगे होते थे, massacre मतलब कत्लेआम, एक किसी community के लोगों को आप मारी दो या फिर उनके साथ regular basis में माराकूटी करो. ये communalism in politics है. पहला क्या था, everyday belief. दूसरा पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटीज. तीसरा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस. और चौथा वायलेंस, रायट्स एंड मैसेक्रे. हाउ डज रिलीजन बिकेम अ प्रॉब्लम इन पॉलिटिक्स, तो जब रिलीजन एक्सक्लूसिव और पार्टीजन टर्म्स में, वर्ड याद रखना एक्सक्लूसिव एंड पार्टीजन टर्म्स में प्रैक्टिस होता है. ए, जब एक रिलीजन के फॉलोवर्स दूसरी रिलीजन के अगेंस्ट पिट होते हैं. पिट मतलब भड़काना. व्हेन द फॉलोवर्स आर ऑफ वन रिलीजन आर पिटेड अगेंस्ट अनादर, या फिर एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से सुपीरियर बताया जाता है, या फिर एक रिलीजन की जो डिमांड रहती है उसको फुलफिल करने के लिए स्टेट पावर गलत तरीके से यूज होता है, तब रिलीजन क्या बन जाता है, प्रॉब्लम बन जाता है. कब बन जाता है, जब वो एक्सक्लूसिव और पार्टिसन टर्म्स में एक्सप्रेस हो. व्हेन पीपल ऑफ वन रिलीजन आर पिटेड अगेंस्ट अदर, व्हेन वन रिलीजन इज शोन टू बी सुपीरियर देन द अदर, और फोर्थ व्हेन द डिमांड्स ऑफ वन रिलीजन आर फुलफिल्ड बाय सरपासिंग द डिमांड्स ऑफ अनादर रिलीजन यूजिंग स्टेट पावर. तो जब स्टेट पावर यूज करके एक रीजन की अननेसेसरी डिमांड्स आप क्या करोगे, फुलफिल करोगे, तब रिलीजन पॉलिटिक्स में एक प्रॉब्लम बन जाएगा.
ठीक है, गांधी जी ने बोला था रिलीजन एंड पॉलिटिक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि सारे रिलीजन की मॉरल वैल्यूज लेनी चाहिए, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, और वो सारी मॉरल वैल्यूज क्या होता है आपके पॉलिटिक्स में इंप्लीमेंट होनी चाहिए, ये गांधी जी सोचते, ठीक है ना। लेकिन सच बात क्या है, कम्युनल राइट्स जो होते हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटीज करती है, ठीक है ना, जितने ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स होते हैं जो माइनॉरिटीज बनाते हैं, ये सब बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज के ही एजेंडा होते हैं। आ रही है बात समझ में? अगर बुराई देखी जाए तो जितने भी रिलीजन है, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई सा भी रिलीजन है, सबके जो फैमिली लॉज हैं वो पहले वुमेन के अगेंस्ट क्या थे, बायस थे, मतलब वुमेन को इनजस्टिस ही मिलता था उन लॉज में। हालांकि अब क्या होगा, रिफॉर्म स्टार्ट होगा, लेकिन आंसर में तुम्हें यही लिखना है ना। अब इसमें जेंडर वाली कहानी तो तुम कर ही लोगे, मैन वुमेन, मैन वुमेन, मैन वुमेन, फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या आते हैं, वन आंक में अगर आता है तो दीज आर रेडिकल मूवमेंट्स एम्ड एट इक्वालिटी ऑफ वुमेन इन पर्सनल एज वेल एज फैमिली लाइफ एंड टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन इन पब्लिक एंड सोशल लाइफ, दीज आर फेमिनिस्ट मूवमेंट। मतलब फैमिली लाइफ में भी इक्वालिटी चाहिए और पब्लिक और सोशल लाइफ में भी रिस्पेक्ट चाहिए या स्टेटस इंप्रूव करना है। इज दैट क्लियर?